नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम कुबोटा के MU5501 का रिव्यू करेंगे और जानेंगे क्या खास है इस ट्रैक्टर में। तो भाई ये है कुबोटा का MU5501। अब अगर फ्रंट से आपको इसका व्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है ये। इसमें सामने ब्लैक कलर में जाली लगी हुई है, उसी के पीछे बाकी का ट्रैक्टर ऑरेंज कलर में दिया हुआ है, उसी के साथ में हेलोजन स्टाइल हेडलैम्प दिए हुए हैं इसमें, और इसी के बीच में यहाँ पर क्रोम के साथ में कुबोटा का लोगो दिया हुआ है। सामने यहाँ पर बेड दिया हुआ है, इसमें हम अपना अलग से बम्फर भी लगवा सकते हैं। इसी के साथ में फ्रंट में ही इसमें बैटरी दी हुई है जिससे कि ट्रैक्टर की बैलेंसिंग बनी रहे और आगे से इसकी लिफ्टिंग नहीं होगी। अब अगर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर डिज़ाइन बाय कुबोटा इन जापान, और उसी के आगे MU5501, और उसी के आगे कुबोटा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर लॉन्ग लाइफ डबल क्लच, उसी के नीचे शटल शिफ्ट गियर, ऑयल इमर्ज्ड मल्टी डिस्क ब्रेक, और उसी के नीचे यहाँ पर पावर स्टीयरिंग लिखा हुआ है। इसी के साथ में इसमें 5 ईयर वारंटी, सुपर वारंटी दी हुई है इस ट्रैक्टर की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर इसके एक्सल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसमें एडजस्टेबल एक्सल दिया हुआ है, उसी के साथ में डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में ये ट्रैक्टर है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका पंप देखने में लगता है, और हम इसे बैलेंसिंग पंप भी बोल सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर सेल्फ स्टार्टर मोटर दी हुई है जो कि 12 वोल्ट की है, और ये काफ़ी छोटे साइज में लगती है देखने में। उसी के आगे यहाँ पर अल्टरनेटर दिया हुआ है जो कि 12 वोल्ट 40 एम्पियर का है। अब अगर इसके मडघाट की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके मडघाट दिखने में है। ये काफ़ी स्टाइलिश तरह से डिज़ाइन किए गए हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं ये मडघाट। अब अगर इसके पैरदान को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका पैरदान दिया हुआ है। हम इसके ऊपर आसानी से पैर रखकर ऊपर चढ़ सकते हैं, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है। इसमें हमें फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है और काफ़ी खुली जगह दी हुई है इसमें। इसी के साथ में इसमें हमें आरामदायक डिलक्स सीट देखने को मिलती है जिसे हम हाइट बेड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर बैठकर आगे आपको इसका व्यू दिखाऊं कि इसके ऊपर बैठकर आगे देखने में किस तरह से लगता है ये, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है ये। इसी के साथ में यहाँ पर मिरर दिया हुआ है, 3000 RPM के साथ में इसमें डिजिटल मीटर दिया हुआ है, और इसमें 1, 2, 3 लिखा हुआ है मीटर में ही, और इसका जो मीटर है देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसी के साथ में स्टेयरिंग के ऊपर कुबोटा का लोगो दिया हुआ है और काफ़ी छोटे साइज में है इसका स्टेयरिंग। इसी के साथ में यहाँ पर हैंडरेस्ट दी हुई है, और जो हमारे ट्रैक्टर के बाकी स्विच रहते हैं इंडिकेटर, पार्किंग लाइट और हमारे मेन हेलोजन लाइटों के लिए, उसके लिए यहाँ पर एक बड़ा सा स्विच दिया हुआ है। इसी के आगे यहाँ पर ऑरेंज कलर में पार्किंग ब्रेक के लिए लीवर दिया हुआ है, ब्रेक लगाकर हम यहाँ से ब्रेक को लॉक कर सकते हैं। अब अगर इसके क्लच की बात की जाए तो इसमें सस्पेंडेड पेडल दिया हुआ है जिसके कारण ये दबाने में काफ़ी स्मूथ लगता है, और अगर हम इसे लंबे समय तक चलाते हैं तो इसमें हमें थकान महसूस नहीं होगी। वहीं अगर इसके ब्रेक को देखा जाए तो ऑयल इमर्ज्ड मल्टी डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं इसमें। अब अगर इसके गियर बॉक्स की बात की जाए तो इस साइड इसमें लो हाई और रिवर्स वाला गियर दिया हुआ है, उसी के पीछे यहाँ पर येलो कलर में PTO का क्लच दिया हुआ है, उसी के साथ में यहाँ पर दूसरी साइड 1, 2, 3, 4 वाला गियर दिया हुआ है। इसमें हमें 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स वाला गियर बॉक्स देखने को मिलता है। उसी के पीछे यहाँ पर ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर दिया हुआ है जिससे हम इंप्लीमेंट की गहराई को निर्धारित कर सकते हैं। अब अगर दूसरी साइड से इसका व्यू देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें उसी तरह की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। उसी के साथ में यहाँ पर 2 डीजल फिल्टर दिए हुए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये वाटर सेपरेटर दिया हुआ है। अब अगर इसके इंजन की बात की जाए तो 55 HP की कैटेगरी का इसका इंजन है। इंजन रेटेड RPM की बात की जाए तो 2300 रेटेड इंजन RPM है इसका। इंजन की कैपेसिटी देखी जाए तो 2434 CC का इसका इंजन है।
इसी के आगे यहाँ पर डिफरेंसर लॉक दिया हुआ है, जिससे हम ट्रैक्टर के दोनों टायरों को लॉक कर सकते हैं और ये अगर कहीं पर फंस जाए तो इसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अब अगर इसके बैक एंड साइड का व्यू देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेल लैंप दी हुई है, ये जो मेसी में टेल लैंप दी हुई रहती है बिल्कुल उसी की तरह दिखने में ये लगती है। उसी के आगे यहाँ पर मडगार्ड के ऊपर प्लाउ लैंप दिया हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा लाइट भी दिया हुआ है। इसी के आगे यहाँ पर टूल बॉक्स दिया हुआ है जो कि फाइबर का बना हुआ है। अब अगर इसके पीटीओ की आरपीएम की बात की जाए तो ये 540 और 750 है। उसी के साथ में यहाँ पर पीटीओ का गियर दिया हुआ है येलो कलर में, इसमें मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ का भी ऑप्शन है। इसी के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉइंट लगा हुआ है और उसी के ऊपर यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। अब अगर इसके लिफ्ट कैपेसिटी की बात की जाए तो 2100 केजी की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है और आप देख सकते हैं पीछे से दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है। उसी के साथ में 2 पॉइंट सेंसिंग दी हुई है इसमें। अब अगर इसके टायर की बात करें तो इसमें फ्रंट में जॉन डियर के 5310 की तरह बड़े टायर दिए हुए हैं, ये 650/20 के टायर हैं। अब अगर इसके व्हील बेस की बात की जाए तो 2100 mm का इसका व्हील बेस है और पीछे की साइड 16/9/28 के बड़े टायर दिए हुए हैं। इस ट्रैक्टर की टोटल लंबाई देखी जाए तो 3250 mm की इसकी टोटल लंबाई है। ये कुबोटा का MU5501 था। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।